प्रिय साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में इतने सारे देवी देवताओं, भगवान और ईश्वर के बीच कौन सा सच्चा ईश्वर है? हमारे आसपास कई अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन वेदों और बाइबल की पवित्र पुस्तकों में क्या सच्चाई छिपी है? इस विचार विमर्श के लिए आज हम एक अनूठी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। कौन है सच्चा ईश्वर जिसकी आराधना हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाती है? आप सभी को जय मसीह। प्रिय साथियों, आज हम सच्चे ईश्वर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह और भगवान हैं, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल, मंगल और आनंदित रह सकता है, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। साथियों, कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना तो अग्नि, ना वायु, ना जल और ना ही आकाश है। वह निराकार है। ईश्वर ना तो दुर्गा है, ना राम, ना कृष्ण और ना ही बुद्ध। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा और पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और उसका अंश सभी में व्याप्त है। साथियों, परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग आडंबर के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं, अपनी इच्छा और लोगों की देखा देखी के चलते अपने अत आत्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। प्रिय साथियों, क्या सब ईश्वर एक हैं? यदि आप अपने सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो निराश ना हो। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और नहीं जानते कि किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए, सच्चा ईश्वर कौन है, तो निराश ना हो। आपने यह बातें तो बहुतों के मुंह से सुनी होंगी कि सभी धर्म एक ही हैं, सभी भगवान एक ही हैं, किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक ही है। यदि यह विचारधारा सही है, तो फिर हर एक इंसान की परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी भगवान में आस्था रखते हैं। पूजा पाठ, भक्ति, साधना, कीर्तन, जागरण, इस देश में हर एक व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर की साधना तो करता ही है। इस देश में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं और हमारे देश के लोग इनमें से किसी न किसी पर आस्था तो रखते ही हैं, और कुछ तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं इनका प्रकोप उन पर पड़े। इंसान और ईश्वर का रिश्ता क्या है? क्या इंसान और भगवान का रिश्ता बस लेने देने तक का ही है कि हम उसकी भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, बिगड़े काम बनाएगा? क्या यह सच्चाई सच्चे ईश्वर की है, या यह विचारधारा हमारे समाज की है जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से बनाकर रखी है? जरा सोचिए इस बात को। यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्यार करता है, तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकता है? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है, तो वह कैसे हमें दंड दे सकता है? क्या उनका मनुष्य के ऊपर क्रोध करना और दंड देना उन्हें सच्चा ईश्वर बनाता है? या फिर उस सच्चे ईश्वर से अभी तक हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की? ईश्वर का सत्य क्या है? सत्य यह है कि एक ही सच्चा ईश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हां, ईश्वर हमसे प्रेम करता है और केवल मनुष्य को ही उसने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। ईश्वर भला है और करुणामय है, और जितने उसको खोजते हैं वह उन्हें पाते हैं। जी हां, वह आपसे प्रेम करता है और लेने देने से कहीं अधिक आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और मनुष्य के साथ रिश्ता चाहता है, तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, हादसे क्यों होते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? पर सच तो यह है कि इन सब बुराइयों के पीछे ईश्वर नहीं, बल्कि शैतान है, पाप है, जो किसी का भी भला नहीं चाहता, जो आपकी आशीष को चुराता है, घात करता है, हत्या करता है,
आप सोच रहे होंगे कि यदि यह सब आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं तो फिर इतने सारे ईश्वर में से किस ईश्वर की मदद मांगी जाए, किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए जो आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है, आपकी समस्या का हल कर सकता है। वह ईश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि केवल यही वह नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ऐसा लिखा है बाइबल की प्रेरिता के काम 4:12 में। यशाया 3:5 में ऐसा लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु ही वह सच्चा ईश्वर है जिसने क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर आपको पाप, मृत्यु और शैतान के माया जाल से मुक्त कर छुड़ाया है। भला आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसने आपको परेशानियों से छुड़ाने के लिए, आपके दुख तकलीफ को खत्म करने के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाई हो? आपकी कीमत चुकाने वाला तो कोई नहीं, पर आपसे कीमत लेने वाले बहुत से आए होंगे। केवल यीशु मसीह ही है जिसने क्रूस पर मरकर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। यीशु को आप एक बार परख के देखिए कि वह कितना भला है। आप खुद जानेंगे सत्य को और सत्य आपको आजाद करेगा। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूं और आपको सारा महिमानंद की सभी आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का दिन मैं आपके हाथों में सौंप हूं प्रभु। मुझे सही रास्ता दिखाएं और मुझे समझने की शक्ति दें ताकि मैं समझदारी से निर्णय ले सकूं।